दोस्तों, संजय राउत जेल से आ चुके हैं। बाहर आकर खासे खुश हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, टीवी पर बैठ रहे हैं, जेल के किस्से सुना रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ है जिसने संजय राउत की मुश्किलें कई गुना एक बार फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि बड़ी कोर्ट का आदेश आ गया है। संजय राउत को एक बार फिर अल्टीमेटम मिल गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ 10 दिन का वक्त संजय राउत के पास बचा है, क्योंकि यहां फेल हुए तो फिर तो जेल तय है। तो अचानक क्या हुआ ऐसा? क्या कहा बड़ी कोर्ट ने? क्यों फिर से जेल जाना पड़ सकता है संजय राउत को? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत के लिए एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल से बाहर निकलकर खासे खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली है। उन्हें लग रहा है कि वो बड़ी हो गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यही है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है और अभी ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। और जिस जमानत के नाम पर, जिस बेल के भरोसे वो जेल से बाहर आए, वो रद्द भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है और हालात कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब क्या हुआ पहले वो देखिए और फिर बताएंगे, समझाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो ईडी ने संजय राउत के खिलाफ, राउत की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और इस याचिका में संजय राउत की जमानत का विरोध किया था। यही नहीं, लोअर कोर्ट का डिटेल फैसला आने से पहले ये याचिका दी गई थी और बाद में जब पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का डिटेल फैसला आया तो उसके आधार पर इस एप्लीकेशन में बदलाव के लिए मंजूरी दी गई। आगे देखिए, अब कोर्ट में जैसे ही ये याचिका आई तो कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया। जी हाँ, याचिका को सुनवाई के लिए तुरंत ही मंजूर कर लिया गया और बड़ी बात यह है कि तुरंत में संजय राउत को नोटिस भी जारी कर दिया गया। ईडी के सवालों का, ईडी की आपत्तियों का जवाब देने के लिए कह दिया गया और इसके बाद राउत को तारीख दे दी गई। जी हाँ, और ये बड़ा मामला इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे बेल के खिलाफ याचिका को स्वीकार किया और फिर उस पर राउत से जवाब मांगा और इसके लिए जल्द वाली तारीख मुकर्रर कर दी। 25 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है और उसी दिन पूरी सुनवाई भी हो सकती है, फैसला भी आ सकता है। अब फैसला क्या हो सकता है, क्या आ सकता है और कैसे राउत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वो भी देखिए और समझिए। तो ईडी ने लोअर कोर्ट में कहा था कि संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत उनके पास हैं और वो जेल से बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत पावरफुल आदमी हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। और यही बातें, इनके अलावा भी बहुत सारी बातें ईडी ने हाईकोर्ट को भी कही है और इसी पर संजय राउत से जवाब तलब कर लिया गया है, मांग लिया गया है। अब अगर संजय राउत के जवाब से, राउत की दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट होती है तो फिर तो राउत को राहत ही मिलेगी। लेकिन अगर संजय राउत की बातों से, दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो फिर तो राउत की मुश्किल कुछ नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी और राउत को फिर से जेल जाने तक का आदेश भी जारी हो सकता है, क्योंकि अगर बेल रद्द हो गई, जमानत रद्द हो गई तो तुरंत ही दोबारा से गिरफ्तारी हो जाएगी और दोबारा गिरफ्तारी हुई तो एक बार फिर से उसी जेल जाने से पहले ईडी की रिमांड तक पर लिया जा सकता है, जो कि संजय राउत के लिए और मुश्किल भरा होगा क्योंकि वहां सवाल जवाब हो सकते हैं, जेल से बाहर जाकर क्या किया ये भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जेल से बाहर निकलते ही संजय राउत के लिए हालात अचानक खराब हो गए हैं और अब 10 दिन के करीब का काउंटडाउन है जिसमें संजय राउत को अपना जवाब तैयार करना है, हाई कोर्ट को देना है। और बड़ी बात यह है कि ये जवाब कोर्ट को पसंद नहीं आया और अगर संजय राउत यहाँ पर फेल हुए तो फिर तो जेल दोबारा तय है, ये फाइनल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को फिर से जेल भेज दिया जाएगा या फिर हाई कोर्ट से भी राहत ही कायम रहेगी? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, संजय राउत को जमानत मिल चुकी है, राउत जेल से घर निकल चुके हैं, वापस घर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन संजय राउत के घर पहुंचते ही आफत भी आ गई है। जी हाँ, आफत इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि जेल से निकलने के 24 घंटे से भी कम समय में संजय राउत एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, उनकी जमानत पर ग्रहण लग सकता है। जी हाँ, मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईडी का एक्शन यहाँ पर संजय राउत पर भारी पड़ सकता है। तो बताते हैं आपको कैसे एक दिन में 24 घंटे से भी कम समय में क्या ऐसा फैसला होने जा रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे 24 घंटे के ही अंदर राउत को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 9 नवंबर को संजय राउत को फाइनली जेल से बाहर निकलने का मौका मिल गया और राउत को लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई।
देर शाम संजय राउत अपने घर पे पहुंच गए। संजय राउत का जोरदार स्वागत हुआ, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। समर्थकों ने खूब जश्न भी मनाया, लेकिन ये जश्न, ये खुशी गायब हो सकती है, कापूर हो सकती है, क्योंकि संजय राउत की इसी जमानत पर ग्रहण लग सकता है। मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट भी बड़ी है, मामला भी बड़ा हो चला है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। संजय राउत को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जब जमानत दी तो ईडी ने इसका खुला विरोध किया। ईडी की तरफ से सरकारी वकील एसजी अनिल सिंह ने साफ साफ कहा कि इस फैसले पर स्टे दे दीजिए, क्योंकि हम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दे सकें। हालांकि वहां पर तो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और संजय राउत को रिहा करने का ही आदेश जारी कर दिया। लेकिन अगले ही मौके पर संजय राउत को झटका भी लग गया, क्योंकि मामला सीधे सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। जी हां, संजय राउत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है और हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका भी ले ली है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। संजय राउत की जमानत को रद्द करने, संजय राउत की जमानत को स्टे करने या फिर कैसे भी संजय राउत को वापस से जेल में लाने की इसमें मांग की गई है। और इस याचिका को या कहें कि इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तैयार है, राजी हो गई है। आगे देखिए, अब 10 नवंबर गुरुवार के ही दिन ये खबर बनते वक्त इस याचिका पर सुनवाई हो रही है और यहाँ पर संजय राउत को बड़ा झटका लग सकता है, राउत के खिलाफ फैसला भी आ सकता है। और अगर ईडी की बातों को, ईडी की दलीलों को, ईडी के पक्ष को हाईकोर्ट ने मान लिया, जान लिया, समझ लिया और संजय राउत के पक्ष को खारिज कर दिया या कहें कि ईडी का पलड़ा अगर भारी पड़ गया, तो फिर तो एक झटके में संजय राउत की, उनके समर्थकों की खुशी काफूर हो जाएगी और संजय राउत की जमानत का ऑर्डर भी एक झटके में रद्द हो सकता है। कोर्ट ने आदेश अगर जारी कर दिया तो फिर तो संजय राउत को वापस एक बार फिर से मुंबई की जेल जाना पड़ सकता है और ये जेल से निकलने के 24 घंटे से भी कम समय में वापसी होगी और ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि मामला जो हो रहा है, हाई कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में एक बार फिर से बाजी संजय राउत के लिए पलट सकती है। एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका या कहें कि बहुत बड़ा महाझटका लग सकता है। एक बार फिर से राउत को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है अगर हाई कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ फैसला दे दिया तो। अब ऐसे में आपका क्या मानना है, आपका क्या समझना है? क्या वाकई संजय राउत को 24 घंटे के अंदर फिर से जेल जाना पड़ जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये राउत के लिए कितना बड़ा झटका पटका होगा? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।